चींटी ने पकड़ लिया अभी, दूध निकल गया। एक साल से पहले ही पूरी दुनिया उजाड़ दी। अब कल से इनके बच्चे जुड़वा हुए थे, बाप का मुंह भी ना देखा भगवान। अल्लाह किसी कुछ भी करियो लेकिन किसी का जोड़ा मत बिछेड़ियो। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड अभी हम सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। 5:30 बजे की गाड़ी हमारी, और आपने पिछले व्लॉग में देखा था हम लोग घर से निकले थे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू? गजरौला। हम लोग गजरौला जा रहे हैं, जो आप लोगों ने एक वीडियो देखा था, कुछ भाई हमसे मिलने आए थे सब्सक्राइबर, जिन्होंने अपनी हाथ पर राखी बांधी थी, उनकी मम्मी ने हमें बुलाया। 5:30 बजे की गाड़ी है, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी। और सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर अभी हम खड़े हुए हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और खाना वाना सब बांध के लाए हम, रात भर हमारा ट्रेन 5:45 की हमारी गाड़ी है, तब तक बैठना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठते हैं, बस 5:45 बजने ही वाले हैं, उसके बाद चलते हैं। गाड़ी का नाम है नो चंडी एक्सप्रेस, बस इनसे तैयार होकर जाएगी। भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, सीट मिल जाएगी, वरना सीट ना मिलती टट्टी के डब्बे के। दो डिब्बा जंगल बा में बैठना हो जी, आगे भगे जा रहे हो, एसी के डिब्बा में बैठे, एसी ना है ना, स्लीपर आ रहे हैं हम जंगल के में। ये स्लीपर ना है जी, जा रहे थे एसी वाले हैं। सीट तो मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से बन के जाएगी ये, है ना। चल आगे चलना है, चार रूम का सिस्टम देख ले, जाएंगे बैठ ले, चल जल्दी बैठ जा। सीट मिल गई ना, सीट मिल गई। फ्रेंड रात हो गई और अभी तक हम पहुँचे ना, भूख लगी है बहुत, खाना खा ले जो हम खाना रखे लाए थे, जो हमारी केला की सब्जी का वो अब खा रहे हैं। अगर थोड़ी देर और कर दी तो भूख जाएगी। ये देखो फ्रेंड, टेस्टी टेस्टी सब्जी, की रोटी है। बेकार तो नहीं सब्जी है, बस वो दांत तोड़ बीज ना है मुँह में, वही आ जाता बार बार, कार्य कार्य ही जाता है। कमेंट कर देंगे आप और हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। हम लोग तुम्हारे गांव में आ गए। आज अंदर समोसे रोटी खा ली, ज्यादा दिन ना रुके, आ जा ज्यादा दिन ना रुके, गाड़ी जल्दी आ जा। सो गई, ओए सो रही है क्या? तो नींद आ रही है, गाड़ी लेट है भी। फ्रेंड पहुंच रहे हम लोग गजरौला, गाड़ी रुक गई है बहुत, बोले बड़ूरे वर्मा करे। कहाँ जा रहे हो, कुछ अतो पतो है घर को? आप हर दो दिन बात के साथ गई हो। तो दोस्तों हम लोग गांव गजरौला में पहुंच चुके हैं। गजरौला का रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे ना ठंड तो बिल्कुल नहीं है ना, तेज लग रही है। टीटी का टिकट ना, सुन टीटी ने पकड़ लिया अभी। क्या फिर क्या हुआ? टिकट तो था, टिकट तो था। फ्रेंड हम लोग गजरौला के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये भैया पहले अपने लोगों देखा होगा। फ्रेंड आप लोगों ने देखा था, हम गजरौला रात ही आ गए थे, लेकिन रात हो चुकी थी इसलिए व्लॉग शुरू नहीं किया। अब व्लॉग मॉर्निंग में व्लॉग शुरू कर रही हूँ, और भैया के घर पे हम आ चुके हैं। ये दीदी हमारी, और ये भैया वाले, और इनकी बेटी है, और ये दूसरे भैया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। हम ना सारी फैमिली से मिलवाएंगे, सारे बहुत अच्छे हैं। रात 1 बजे तक हम लोग जगते रहे, बात बूत करी सब लोगों से। और यहाँ पे देखिए खाना बन रहा दीदी का चूल्हे पे। भैया गैस पे ना बनते खाना? गैस पे नहीं बना रहे दीदी, गैस पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। वैसे तो चूल्हे पे ही बनता, गांव की चीजें ही अलग होती हैं, एकदम रहल चहल घर में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठते हैं, चूल्हा जलता है, सारी चीजें बहुत ही पहले की याद है। हमारे घर पे भी पहले ऐसे होता था बचपन में। और दीदी क्या बना रही है? दूध गर्म कर दी आपके लिए स्पेशल। दीदी चाय बना रही, दीखो वो लग रही है अभी जहाँ तो कछू ना है। मैं आपके लिए दूध गर्म कर रही हूँ, हमने चाय बनाई है। अरे ना दूध हमारी आदत ही ना दूध पीने की, कोई बात नहीं है। मूंग है गाइस, यहाँ पे मूंग सूख रही है छत पे। गांव में जाओ तो मैं जा रहा था, चीजें देखने को मिल जाता है खेतन की। यहाँ पे देखो प्यार रखो सबरे में, और ये मूंग सूख रही है, मूंग निकलेगी यहाँ में तो ये निकल रही है।
और धूप भी निकल आई सुबह सुबह ही। हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा है, नॉर्मल है सब कुछ। कैसी हो अम्मा? बढ़िया, हमें बहुत खुशी हुई हमारी बेटी मार घर पाई। हाँ। बच्चे आए घर पर दोनों जने। भैया पहली बार मतलब ना हमें जानते थे और ऐसे ही आप लोग जैसे थे सब्सक्राइबर थे, हमारे भाई बन गए। राखी वाखी बांध दी और जब इसे अम्मा चाहती कि हम इनके घर पे आए, अपने बेटी बेटी की तरह मानती हैं। ज्यादातर भैया सारे काम मैं, मेकअप मेहंदी कुछ भी उठा लो, लड़कियों का लड़कों का कुछ भी उठा लो, सारे काम कर लेते हैं अच्छे से। और दूध निकल गया, दूध ही निकल गया, बातों के चक्कर में दूध ही निकल गया। फ्रेंड सुबह का नाश्ता बना दिया, ये देखो भैया ने अपने हाथों से बनाया है। वो बोलते हैं सैमरी बोलते हैं हमारे यहाँ जवे, वो वाले छोके बनाए सुबह सुबह। और इतना सारा मिठाई और ये पापे सापे, ये घी क्यों ले आए? अरे घी से थोड़ा अच्छे लगते हैं जवे। अरे ना ना, वैसे भी इतने मोटे हरा खाता है। और अम्मा तुम खा लो, खा ले लो, जाइए बैठ के। घी भी ना डालो भाई, देखो इतना सारा घी डाल दिया। बहुत अच्छी खातिर पानी है ये सौरभ की स्पेशल। खा लेता फ्रेंड इसको, ठीक है फिर मिलते हैं आप लोगों से। काफी खुशबू आ गई, खा के देखते हैं क्या है। फ्रेंड मेरी उत्ती की उत्ती रखी है, देखो साफ कर दी इतनी जल्दी। बड़ी जल्दी फर्स्ट खा रहे तू तो, कैसे छोड़ेगा ना। समन्नी की वैसी रखी हो, देखो प्लेट खाली कर दी। दोस्तों ये ना विपिन भैया की बहन है, दीदी है, काफी अच्छी हैं, लेकिन भगवान ने ना बहुत बुरा किया। देखो इनकी शादी हुई थी और एक साल के अंदर ही भी वो हो गया था ना, एक साल के अंदर ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हुए थे भैया जी का? वो उधर ही थे, मैं यहाँ थी महके में। मतलब वो ना साल वाले बहुत ज्यादा परेशान लगते थे, उनको एक्सीडेंट हुआ तो वो तब खत्म हो गया। साल हुई थी गाइस, एक साल में ही जुड़वा बच्चे हैं। बताओ भगवान ने बच्ची भी दे दी, वो भी जुड़वा, और बच्चों ने बेचारे ने बच्चे तो हो गए पेट में, लेकिन पापा का चेहरा भी नहीं देखा और सब उजड़ गया। अब दीदी ना अम्मा के पास ही रहती हैं, ससुराल वाले थोड़े वैसे ही हैं, क्या बोलते हैं ना, तो बच्चे हो गए तो जमीन तो देनी पड़ेगी। इनके पापा ने बेचारे ना, पापा भी खत्म हो गए दीदी के, अभी 2-3 साल हुई हैं। पापा ने कर्ज करके इनको, दहेज तो सब मांगते, दहेज के भूखे सब, कर्ज करके इतना सारा सामान दिया था, बेटी का ब्याह किया था, और एक साल के अंदर ही भगवान ने एक साल से पहले ही पूरी दुनिया उजाड़ दी। अब दो बच्चे हैं बेचारे, अब अम्मा साल से यहीं, अम्मा और भैया उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है, स्कूल भी जाते हैं, और दीदी भी अपनी एक नौकरी कर रही है छोटी मोटी, और अपना मम्मी का साथ देती हैं, अपनी मम्मी का घर वर संभालती हैं। और भैया बच्चों के सहारे से, दोनों बच्चों पास रह रही हूँ ना, तो हमें पागल हो जाती है। भैया बहुत अच्छे हैं, पता अगर लड़की अगर 2 दिन को भी आ जाए ना ससुराल में, तो इतना वो नहीं होता, बोरिंग सा लगता है कि अब चली जाए अपने घर। लेकिन भैया कब से 10 साल से रह रही हूँ, 10 साल 10 साल से इनके बच्चे जुड़वा हुए थे, बाप का मूवी ना देखा भगवान ने उससे पहले कर दिया। वो 4th क्लास में आ रहे हैं, यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। मैंने भी कोई शादी वादी नहीं करी, बच्चों को पाल रही हूँ अपने, शादी करके भी क्या करूँगी, बच्चे हैं दो छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे भगवान यही चाह रहे हैं कि कुछ कितना भी दुख दे रहे, लेकिन किसी का जोड़ा ना बिछड़े भगवान। अगर दुख गरीबी भूख प्यास कैसी भी होगी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन कभी किसी का जोड़ा ना अलग करे। छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पढ़ने में काफी होशियार हैं, शायद भगवान ने बिगाड़ा है तो आगे संभाल लेगा भी, और शायद वो नाम निकाल दें, कुछ नाम रोशन कर दें दीदी का। और वैसे तो दीदी की ज्यादा उम्र नहीं है, और भाई विपिन भैया कहते हैं कि वो भी शादी लायक है, 4 भाई हैं अब। हाँ, मेरे से छोटे हैं चारों, लेकिन बड़े ही हैं। कितना सोचते हैं पता है, ये बोलते हैं कि पहले दीदी की शादी करेंगे फिर हम करेंगे, क्योंकि आगे आगे अगर बहू आएगी तो ज्यादातर होती है कि तुम्हें पता कैसी आती है, पसंद नहीं करती। शादी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, बच्चों की वजह से, बच्चों को कौन रखेगा। नहीं, कोई भगवान ने, अब इतनी भी उम्र नहीं है तो कोई ना कोई तो जरूर होगा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि वो तो चले गए, तो जरूर कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि बच्ची भी ज्यादा बड़े नहीं है, ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो जिंदगी कैसे कटेगी, कोई तो साथी होना चाहिए। अब कल को भाइयों की भी बहू आ जाएंगी, क्या पता वो ना रखें, क्योंकि हर कोई तो एक जैसा नहीं होता।
देखिए हमारी नू तो नहीं है, मतलब एकदम हमें अपना जैसा लग रहा है, अपना घर एकदम, कितनी समझदारी, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब सही है। भैया एक बार हमारे घर पे गए थे, बस सब्सक्राइबर थे आप जैसे, जब से राखी वाखी बनवाई हम तो अपने भाई जैसा मानते हैं। दीदी भी हमारी बहन है, हमारी भी कोई बहन नहीं है, बहन भी मिल गई, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड ये हमारी जो दीदी है ना उनके बच्चे हैं ये रहे, और एक ये लड़की है और ये लड़का है, दोनों जुड़वा हुए थे एक साथ, और अभी देखो पढ़ाई कर रहे हैं, बताते हैं पढ़ाई में भी होशियार है बेचारे। इन्होंने अपने पापा को देखा कभी? बताओ शादी हुई थी बस एक साल के अंदर ही, और दोनों जुड़वा हुए थे। अल्लाह किसी कुछ भी करियो लेकिन किसी का जोड़ा मत बिछेड़ियो बस। गाइस भैया बताते रहते हैं, देखो भैया भी इतने अच्छे हैं कि ये भी चार भाई हैं, चारों की शादी होगी तो पहले दीदी का शादी करने की सोचते हैं कि पहले दीदी की शादी करेंगे फिर से, और जब अपनी शादी करेंगे। काफी अच्छी है और सारे काम में परफेक्ट है, लड़कियों की तरह एकदम, जो काम लड़कियों को नहीं आते वो इनको आते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस बनाई है मेरे लिए, बहुत ही अच्छी अच्छी, और मैंने तो मैं अगली ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो ये ब्लॉग मैं आज ही एडिट करके अभी डालूंगी, और नेक्स्ट ब्लॉग अगली वीडियो में, जो भी अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज भाई के घर पे आए हम लोग, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।